हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फ्री टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी वेबसाइट का एक्सटेंडेड या फिर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। जनरली जो हम स्क्रीनशॉट ले पाते हैं वो सिर्फ विजिबल पार्ट का ले पाते हैं, यानी कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमें शो हो रहा है सिर्फ उसका ही स्क्रीनशॉट ले पाते हैं। लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट की जरूरत होती है, जैसे सपोज किसी वेबसाइट पे गए और कोई आर्टिकल है और उसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन हमें उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है लेकिन हम नहीं जा पा रहे नीचे तक, तो हम उसका स्क्रीनशॉट कैसे ले। तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, एक टूल बताने वाला हूं जिसकी मदद से एक्सटेंडेड लॉन्ग किसी भी वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट यहां पे ले सकते हैं। कैसे लेंगे चलिए बताता हूं मैं आपको। यहां पे हम चलते हैं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आप गूगल पे सर्च करेंगे यहां पर फायरशॉट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। फायरशॉट क्रोम एक्सटेंशन आप यहां पे सर्च करेंगे, फिर यहां पे आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है सबसे ऊपर chrome.google.com, देन नीचे यहां पे लिखा हुआ है टेक वेब पेज स्क्रीनशॉट्स एंटायरली, देन आगे लिखा हुआ फायरशॉट। तो आपको ये वाला टूल यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड करना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने पे आप देख सकते हैं क्रोम वेब स्टोर यहाँ पे ओपन हो गया है और आप इसको देख सकते हैं जो टूल है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। 30 लाख से ज्यादा यूजर इसको यूज कर रहे हैं और 4.5 से ज्यादा रेटिंग इसको दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जस्ट करना कुछ नहीं है, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, देन ऐड एक्सटेंशन कर देना है, ये जो टूल है आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो क्रोम ब्राउजर है उसमें यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्नैपशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे पूरे वेब पेज का या फिर एक्सटेंडेड वेब पेज का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा चैनल ही मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे सपोज मुझे कंप्लीट वीडियो की लिस्ट यहाँ पे एज अ स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। कई बार हमें वीडियो में जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको अगर शो करना है तो कंप्लीट स्क्रीनशॉट कैसे शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने अपना वो वेब पेज ओपन कर लिया जिसपे से आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, देन आप यहाँ पे क्रोम के जो एक्सटेंशन बटन है उस पर आपने क्लिक किया, अपना टूल यहाँ पे चूज किया आपने टेक वेब पेज स्क्रीनशॉट्स वाला, इस पर क्लिक किया, देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है वो कैप्चर एंटायर पेज का, यानी कि कैप्चर एंटायर पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितना पेज आपका नीचे तक लोड होगा उसका कंप्लीट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, आप इसका यूज ले सकते हैं अगर आपको कंप्लीट ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम तक का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो। दूसरा अब यहाँ पे आ रहा है कैप्चर विजिबल पार्ट, जो आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है सिर्फ उसी का स्क्रीनशॉट लेगा। और तीसरा आ रहा है यहाँ पे कैप्चर सिलेक्शन, तो आपको जो यूज लेना है एक्सटेंडेड या फिर लॉन्ग या फिर कस्टमाइज जो सिलेक्शन आपको करना है वो कैप्चर सिलेक्शन से करना है, बाकी ये दोनों डिफॉल्ट है, आप डायरेक्ट यूज ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैप्चर सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो गया, देन आपको क्लिक करके इस तरीके से जो एरिया है वो सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रैग कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए वहाँ तक मैं अपना एरो ले जाके क्लिक को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रॉलिंग है वो ऑटोमेटिकली हो रही है, जो उसका स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया है जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था। देन यहाँ पे अब आपके पास दो बटन आते हैं, आप एज इमेज भी इसको सेव कर सकते हैं और आप एज पीडीएफ भी इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं सेव एज इमेज पे क्लिक करता हूँ, अलाउ पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे अगर मुझे सेव करनी है तो डेस्कटॉप चूज करता हूँ, सेव करता हूँ और ये जो स्क्रीनशॉट है डाउनलोड होके मेरे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं स्क्रीनशॉट कैसा आया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेरे पास पूरा आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं कंप्लीट स्क्रीनशॉट, एक्सटेंडेड स्क्रीनशॉट जिसे बोलते हैं, वो मैं यहाँ पे ले पाया हूँ। इस तरीके से आप भी लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, और भी काफी सारे कैप्चर टूल है जिनका आप यूज ले सकते हैं, लेकिन फायरशॉट की फंक्शनिंग मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अच्छा होगा, आपके काम आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।